नमस्कार दोस्तों, आरसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जेंट्स स्वेटर के लिए एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में कोई भी फंदे चाहिए, तो मैंने 11 फंदे डाले हुए हैं और बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बेहद खूबसूरत है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में आसान और बेहद खूबसूरत। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे। ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, और आप अब ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अब दो फंदों के बाद तीसरे, दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में जो स्पेस है इसमें हम सिलाई करेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बना लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी तरफ करेंगे और फिर अगले दो फंदे को, इन दो फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला था, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों के बाद सिलाई डालेंगे। देखिए, ये हमने दूसरे और तीसरे फंदे के बीच के स्पेस में सिलाई डाला है। एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो हमारे जितने फंदे हैं वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं। उन दूसरी ओर किया, दो फंदों के बाद सिलाई डाला, एक लूप निकाला, तो ये एक फंदा अधिक हो गया। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो दो का हमने एक किया, तो ये वापस हमारे दो फंदे हो गए। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। तो हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम देखिए दो दो फंदों का ऐसे ग्रुप आया हुआ है, दो दो फंदों में ऐसे दिख रहे हैं, तो पहले वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अब देखिए एक इसमें से और एक इसमें से, ये दो फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे। ये जो दो फंदे एक साथ दिख रहे हैं इनके हम बीच में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, अब देखिए ये जो दो फंदे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो हम इनके बीच में सिलाई डालेंगे और फिर एक लूप निकाल लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यानी हम अपना तीसरा लाइन ही दोहरा रहे हैं, लेकिन हम इन जो दो फंदे इकट्ठे हैं इनके बीच में सिलाई डालेंगे। उन अपने एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर
तो दो फंदे इकट्ठे दिखाई देना है, हम इनके बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हम तीसरा लाइन ही दोहरा रहे हैं, लेकिन जो दो फंदों का ग्रुप दिखाई दे रहा है उनके बीच में हम सिलाई डाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो ही फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो हम लास्ट में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा। तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। ये देखिए ऐसे ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। अब वापस हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर सभी फंदे उल्टे। ऐसा करने से देखिए डिजाइन में उभार आ गया। अब फिर हम अपना तीसरा लाइन दोहराएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले दो फंदे दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से भी यही लाइन हम दोहराएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इन दोनों फंदों के बाद दो फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यानी मेनली एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है, पर देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे एक बार अपने स्वेटर में ज़रूर बनाइए, सभी लोग देखते रह जाएंगे, बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है। देखिए फ्रेंड्स, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत डिजाइन है फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए इसे। और रॉन्ग साइड से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो कृपया इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।